सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम देखेंगे क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो कि 2021 और 2022 में रहने वाला है। ओके, तो कुछ काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं इस साल। ठीक है, जैसे आपका प्रीवियसली चलता रहता था कि आपको सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम देने होते थे, इंटरनल एग्जाम जितने भी होते थे उनके मार्क्स काउंट नहीं होते थे, बट इस बार थोड़ा CBSE चेंज लेके आया है क्योंकि जैसे प्रीवियस पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इस साल के बोर्ड्स के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के हो, तो उनको दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं टर्म वन की कंडीशंस देख लेते हैं। देखो, टर्म वन आपके जो होंगे उसमें से 50% सिलेबस आएगा और वो अभी कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो अभी CBSE डिसाइड करेगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले ही। ठीक है, कुछ ही टाइम में वो रिलीज़ कर देंगे। देन 50% सिलेबस आपका पूछा जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका वो MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे आप मान सकते हैं आपके जैसे 12th क्लास में जब आप होते हो तो आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हो या नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो जो उसका पैटर्न होता है कह सकते हो ऑलमोस्ट उसके सिमिलर ही फॉलो किया गया। ओके, तो 1.5 आवर्स का होगा, मतलब 90 मिनट्स के MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस MCQ कितने होने वाले हैं अभी तक ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कुछ ही टाइम में। ओके, देन ये कहाँ पर होगा, या आपके स्कूल में भी हो सकता है और सेंटर्स भी अलॉट किए जा सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर्स होंगे वो एक्सटर्नल होंगे, जैसे आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के टाइम पे होता है कि आपके स्कूल में किए जाते हैं, बट जो एग्जामिनर होता है वो एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, कहीं बाहर से आ रहे होते हैं। तो ये जो आपके सेंटर्स हैं टर्म वन के लिए, ये आपके स्कूल्स में भी हो सकते हैं और आपको बाहर सेंटर भी अलॉट किया जा सकता है। ओके, देन टर्म टू की अगर जो बात करते हैं तो टर्म टू का जो होगा आपका वो मार्च अप्रैल में होगा, उसमें आपका 50% जो सिलेबस बच चुका है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस वो आपका मार्च और अप्रैल वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा और 2 आवर्स की इसकी टाइमिंग्स होगी। ओके, इन केस कि अगर जो टर्म टू के टाइम पे, सपोज मार्च अप्रैल के टाइम पे पेंडेमिक अपने पीक पे होता है या काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते बोर्ड्स के, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको फिर MCQ बेस्ड पेपर दिया जाएगा जो कि आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होगा। ओके, सेम जैसे आपने टर्म वन में किया होगा। ओके, देन इन केस अगर जो टर्म वन के टाइम पे भी थर्ड वेव, जैसे हमें सुनने आ रहा है कि उस टाइम तक थर्ड वेव का जो पीक होगा वो हो सकता है, तो अगर जो उस टाइम पे भी अगर जो पेंडेमिक की सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट रहती है तो उस टाइम पे फिर आपको ऑनलाइन देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, अगर जो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर नोट भी है। तो नोट में क्या है, इन केस ऑफ पेंडेमिक यू कैन गिव द टर्म वन MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आप घर से दे सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। उससे क्या होगा कि जो आपका टर्म वन का जो वेटेज होगा वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू द टर्म टू। ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन दे रहे होंगे घर से। ओके, अगर जो घर से नहीं दे रहे होते तो आपका जो टर्म वन और टर्म टू का जो वेटेज आएगा वो इक्वल जाएगा। ओके, देन अगर जो हम टर्म टू की बात करते हैं, सपोज आप 90 मिनट्स का जो MCQ का पेपर आएगा वो भी है, सपोज आप स्कूल में जाकर नहीं दे पाए हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपकी क्या होगा कि आपको फिर घर से आपको ये 90 मिनट्स का जो MCQ का पेपर होगा वो आपको घर से करना होगा। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड, जैसे आपको टर्म वन में बताया गया है कि सपोज कोरोना की सिचुएशन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती है। ठीक है, उसमें आप नहीं दे सकते, स्कूल में जाके नहीं दे सकते या सेंटर्स पे जाकर नहीं दे सकते, देन उस वाले केस में आपको घर पे देना होगा। बट उस केस में क्या होगा, अगर जो आप टर्म वन और टर्म टू की जो वेटेज होगी उस टाइम पे दोनों की वेटेज कम हो जाएगी। अब वेटेज कम हो जाएगी तो फिर एक्स्ट्रा वेटेज कहाँ से लेके आएंगे, फिर आपको वो जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल होंगे और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होएगा मतलब उनके बेसिस पे भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन सबको कंसिडर करते हुए आपका जो रिजल्ट होगा क्लास 12th का और क्लास 10th का 2021 और 2022 में प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि टर्म वन टर्म टू अगर जो आप दोनों ही नहीं दे पाए हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन दिए आपने, देन आपकी जो वेटेज होगी वो दोनों की डिक्रीज हो जाएगी, आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिकल देन प्रोजेक्ट एंड इंटरनल असेसमेंट जो होंगे उनके बेसिस पे दिए जाएंगे। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, देन ओके। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।